कई बार अमूमन हम लोग ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जहां हमें ये कहना होता है कि मैं उसकी जान बचाने के लिए आकाश पाताल भी ये कर सकता हूं। सो आई बिलीव इस कंडीशन की जो क्रिटिकलिटी है, कितना पेचीदा ये कंडीशन होता है जहां पे आप किसी इंसान के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी कंडीशन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हो, और वैसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं आकाश पाताल एक करना। और इंग्लिश में इसके लिए एक ब्यूटीफुल सा आइडियम इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड टू मूव हेवन एंड अर्थ। तो मिसाल के तौर पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं उसकी जान बचाने के लिए आकाश पाताल एक कर सकता हूँ। सो आई एम रेडी टू मूव हेवन एंड अर्थ टू सेव हिज लाइफ, या फिर आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू सेव हिज लाइफ। मैं उसकी जान को बचाने के लिए आकाश पाताल यानी कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। सो आई बिलीव टू मूव हेवन एंड अर्थ, ये ब्यूटीफुल सा एक idiom है जिसका इस्तेमाल हम लोग आकाश पाताल यानी कि ऐसा कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है और वहाँ पे आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आज के इस लेसन में इतना काफ़ी है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको किसी तरीके से कोई सवाल होता है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। For sure, मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का समाधान लेकर जरूर आऊंगा। This is a mentor, I am Sheikh. Keep loving. Thank you.